चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000। इस वक्त की बड़ी खबर नगर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र के दकिन टोला मोहल्ले में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में पुलिस को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। छापेमारी करने गई पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान घर से नहीं मिला। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ जितेंद्र पांडे और एसडीओ के नेतृत्व में पुलिस ने दल बल के साथ दक्षिण टोला मोहल्ले में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान घर से नहीं मिला, इसलिए पुलिस को वापस ही लौटना पड़ा। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला मोहल्ले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, एसडीओ रामबाबू बैठा और कई थानों की पुलिस छापेमारी करने पहुंची, जहां एक घर की सघन तलाशी ली गई। हालांकि छापेमारी करने गई पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा, क्योंकि छापेमारी में पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान घर से नहीं मिला। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव ये खबर दिखा रहे हैं, जहां सिवान शहर के नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला मोहल्ले में एक घर की सघन तलाशी ली गई। एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, एसडीओ रामबाबू बैठा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस छापेमारी करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने घर की सघन तलाशी ली, इसके बावजूद भी पुलिस को घर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला और पुलिस को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में दल बल के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची थी। हालांकि पुलिस को घर की तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, पुलिस को वापस ही बैरंग लौटना पड़ा। हाँ बना लिए हैं, उनको समझाइए, उनका तबीयत ठीक देखना जरूरी है। बताइए क्या मामला है, किस लिए आपके यहाँ पुलिस की छापेमारी की गई? पुलिस आई है हमारे घर पे। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम पीस कमेटी का मेंबर हैं, और रहा सवाल कि पुलिस आई है किसी सूचना के आधार पे कि ड्रग्स स्माइक बिना नोटिस का, बिना कोई सूचना का। खैर पुलिस का जांच करना उचित है, लेकिन एक सवाल होता है ये कि बिना नोटिस का, बिना इथी का, ये क्रिमिनल का घर नहीं है ना? हम लोग संपन्न आदमी हैं, बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं। पुलिस को खुश पहले पता लगाना चाहिए कि भाई वो आदमी वो किस कल्चर का है, किस नेचर का है। हमारे घर को सर्च किया गया, पूरा तलाशी लिया गया, हमने बोला ठीक है कीजिए। उसके बाद जो है पुलिस आई, लिखित दी हमको कि हाँ हमने तलाशी किया, आपको मिला नहीं कुछ। अब सवाल ये बैठता है कि मीडिया के माध्यम से इस शरीफ लोगों का जीने का अधिकार नहीं है क्या? बस यही कहते हैं आपसे, और हमारे प्रशासन जो भी है उनका काम है जांच करना, लेकिन नोटिस, बगैर नोटिस का, बगैर ये का। सभी लोग आए थे, बहुत सारा प्रशासन थे, कुछ हाथ लगा नहीं उनका। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद छोटे, पीस कमेटी मेंबर।